नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। 1 जनवरी से बैंकिंग सिस्टम में एक और बदलाव होने जा रहा है। चेक के जरिए फर्जीवाड़ा रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। इसमें 5 लाख से ज्यादा के सभी चेक पॉजिटिव पे चेक से ही जारी होंगे। यही नहीं, ग्राहक चेक काटते समय खुद बैंक को उसे भुनाने वाले की जानकारी देगा। चेक काटने वाले और चेक भुनाने वाले दोनों की जानकारी के मिलान पर ही उसका क्लीयरेंस बैंक करेगा। ग्राहक बैंक को SMS, ATM, मोबाइल ऐप से चेक लिखने का ब्यौरा साझा कर सकेंगे। बैंकों को 50,000 से ज्यादा की रकम पर यह सुविधा देनी होगी। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक धोखाधड़ी रोकने के लिए पॉजिटिव पे चेक शुरू करने का फैसला किया है। इसके तहत 50,000 रुपये से ज़्यादा पेमेंट वाले चेक पर दोबारा पुष्टि की ज़रूरत होगी। हालांकि ये खाता धारक पर है कि वो इस सुविधा का फ़ायदा लेता है या नहीं। हालांकि 5 लाख रुपये और उसके ऊपर की रकम रखने वाले चेक धारकों के लिए ये व्यवस्था अनिवार्य हो सकती है। पॉजिटिव पे चेक के तहत चेक जारी करने वाले SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक के बारे में कुछ न्यूनतम ब्यौरा देना होगा। इसमें तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और रकम के बारे में जानकारी देनी होगी। इस ब्यौरे के चेक के भुगतान के लिए प्रस्तुत करने से पहले उसका मिलान किया जाएगा और अगर कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जानकारी चेक ट्रांजेक्शन सिस्टम बैंक और चेक लगाने वाले बैंक को देगा। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पॉजिटिव पे चेक की सुविधा विकसित करेगी और बैंकों के लिए इसे उपलब्ध कराएगी। RBI ने कहा है कि उसके बाद बैंक 50,000 रुपये और उसके ऊपर के सभी पेमेंट के मामलों में खाताधारकों के लिए इसे लागू किया जाएगा। फिलहाल शुरुआती दौर में ये सुविधा उनको मिलेगी जिनके बैंक अकाउंट में 5 लाख या इससे अधिक की रकम होती है, लेकिन बाद में ये सुविधा 50,000 रुपये अपने बैंक में रखने वालों को भी मिलेगी। ज्यादा जानकारी और तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।